सो गाइज अभी मैं बैठी हुई थी, वैसे ही इनका फ़ोन आया कि जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। और ज़्यादा टाइम भी मत लगाना, जैसे ही हो बस वैसे ही थोड़ा सा कपड़े वपड़े चेंज कर लेना और बस रेडी हो जाओ। तो इनके सारे जो है ना सारे काम जो है ना बहुत ही जल्दबाजी वाले रहते हैं, तो मुझे पता है ये कुछ ना कुछ सरप्राइज़ ही दे रहे हैं मुझे, क्योंकि 3 घंटे हो चुके हैं, मैं 3 घंटे से इनका वेट कर रही हूँ, अभी तक इनका कोई खबर नहीं थी। बस मैंने फ़ोन लगा के जब पूछा तो बोल रहे कि 9 बजे के बाद आऊँगा, और अभी फ़ोन लगा के उन्होंने बोला कि बस जल्दी से रेडी हो जा, तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। तो बस यहाँ पे भाई हम भी रेडी हो गए हैं, और सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा हस्बैंड दिया है, जो कि मेरी हर एक बात को हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। और सच में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ मैं कि उनकी वाइफ हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में उनको लिखा, सारे ही फ़र्ज़ उन्होंने बहुत अच्छे से निभाए हैं, तो जितनी तारीफ़ करेंगे उतने ही कम होगी, अभी मेरे पास वर्ड भी नहीं है उनके लिए। तो चलो मैं फटाफट से पहले रेडी हो जाती हूँ, अभी तो हमारा बच्चा सो रहा है, उसको भी मैं रेडी कर दूँगी, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है मुझे। तो बस मैंने यही सिंपल सी कुर्ती डाली है, मैं कुछ लेकर के भी नहीं आई थी, तो बस यही मैंने डाल ली है। तो बस थोड़ा सा टचअप वचअप कर लेते हैं, चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोग निकल दिए हैं रेस्टोरेंट के लिए, देखते हैं इन्होंने कैसा क्या अरेंजमेंट किया हुआ है, सारा सब कुछ फटाफट से रेडी हुए हैं, बाबा सुरेन को भी रेडी किया, अभी चल रहे हैं। गुरु तो खड़ी हो गई है, लाइट्स ऑफ हो गई, सारी दुकानें बंद हो गई, और हम अब जा रहे हैं। हम सो गाइस अभी हम लोग निकल गए हैं घर से रेस्टोरेंट के लिए, तो बस ये लेकर के जा रहे हैं, और ये देखो फाइनली हम लोग पहुंच भी गए, और इतना अच्छा सरप्राइज़ लगा मुझे। तो यहाँ पे इन्होंने जो डेकोरेशन करवाया ना, वो 3rd फ्लोर पर था, तो हम लोग अभी भाई स्टेयर्स जा रहे हैं, और ये देखो मैं आ गई हूँ। मैंने होरेन को जो है, एक भैया थे उन्होंने ले लिया था, तो बस अभी मैं पहुँच गई। तो जी ये देख लीजिए, ये था मेरा बर्थडे सरप्राइज मेरे लिए, मैं खुद शॉक्ड थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखो डेकोरेशन बहुत ही छोटू सा था, लेकिन बहुत क्यूट सा था। सो गाइस इस वीडियो को आप लोग स्टार्ट से लेकर फुल लास्ट तक देखना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी भी हो रही थी मुझे। और एक और चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ मेरा, कि मुझे इस वीडियो को देख करके जरा ना पहले की सारी चीज़ें जो है याद आ गई, और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई। तो ये था हमारा सरप्राइज, इसलिए हमें पूरे 3 घंटे रोका गया है। हाँ रेस्टोरेंट पहले ढूंढा, फिर उसके बाद और भी सारी चीज़ें की होंगी, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा प्यारा ये सरप्राइज़ लगा। और ऐसे ये ही सरप्राइज नहीं, ऐसे काफ़ी सारे सरप्राइज है ना, ये देते रहते हैं हमेशा ही, मेरा बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो कुछ भी हो। पिछली बार हम लोगों ने एनिवर्सरी नहीं बनाई थी बस, लेकिन काफ़ी सारे सरप्राइज उन्होंने दिए हैं मुझे। यहाँ पे हो रहे हैं, खेल रही है, जल्दी जल्दी भागे भागे आए हैं, इसलिए सांस चढ़ रही है थोड़ा सा बोलने में, ये अजीब लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू गुरु, कैसे लगा आपको? गुरु को कैसे लगा? गुरु को कैसे लगा? बाबू ने डेकोरेट किया है। ओ वाह, गुरु को तो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया, और गुरु की मम्मा को भी बहुत पसंद आया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन लगा है। छोटू सा है लेकिन बहुत क्यूट सा है, बहुत प्यारा।
ये देख लीजिए, ये है मेरा बर्थडे केक। तो ये एक केक ही नहीं, ये इनकी फीलिंग्स थी जो इन्होंने इस केक के ऊपर बयां की हैं। वैसे तो था मेरा बर्थडे, लेकिन उन्होंने कुछ अलग सा किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये बोल रहे थे कि ना मैंने बर्थडे केक तो नहीं, लेकिन मैंने इसमें अपनी फीलिंग्स जाहिर की हैं। तो बस ये देख लीजिए, मेरा फर्स्ट जो बर्थडे बना था मेरी शादी के बाद, वो कुछ ऐसा बना था। तो इस तरह से शामिल होगा सब लोग मेरी बर्थ, तो इस तरह से ही जो है सभी लोग शामिल हो गए मेरी बर्थडे में। तो कुछ यादें थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। और बस यहाँ पे हमारा बर्थडे केक कट चुका है और हम यहाँ पे हुरू के साथ में खेल रहे हैं। और आज साथ ही में जो है जैकी भाई का भी बर्थडे है मेरे, तो उनसे भी वीडियो कॉलिंग पे बात चल रही थी। बच्चों के साथ ऐसे ही होता है भाई, टाइम कितना हो रहा है, 10:20 हो रहे हैं, 11 बजे बंद हो जाता है रेस्टोरेंट। ये आए हम चाय सुट्टा बार के ऊपर, हम लोग क्या ऑर्डर कर रही हो? अभी स्टार्टर में देख रहे हैं, एक तो मैंने मंगाया है वेज लॉलीपॉप चिली पनीर और वेज लॉलीपॉप मंगाया मैंने, और साथ में यहाँ पे पनीर बटर पनीर मसाला मंगाया है और राइस मंगाए हैं, दाल मखनी मंगाई है, और रोटियाँ मंगाई हैं, पापड़ मंगाए हैं। ठीक है, अब अपन मस्ती करेंगे। मम्मा का बर्थडे है, मम्मा का बर्थडे, आपने हैप्पी बर्थडे नहीं बोला? उसने सुबह सबसे पहले बोला था, रहने सबसे पहले विश किया था, रात में 4 बजे तक उसने कंटिन्यूसली बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, है 4 बजे तक सो ही नहीं थी, 4 बजे तक परेशान किया इसने, काफी अच्छा अरेंजमेंट है, अच्छा लगा, रेस्टोरेंट भी काफी अच्छा है। अगर आप कपल्स आ रहे हैं तो पर्सनल के लिए आपका बहुत अच्छा है ना, फैमिली के लिए भी अच्छा है। और हुलू को कैसा लगा? देखो कितना प्यारा डेकोरेशन करवाया पापा ने, देखो जो बेटा बैलून से डरती है, वो बैलून से बहुत ज्यादा डरती है। तो जी हम लोग चाय सुट्टा बार पे आए हैं और यहाँ पे उसके ऊपर ही जो है ना काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट बन गया है ये, तो 3rd फ्लोर पे हम लोग आए हैं, काफ़ी अच्छा है। और बस यहाँ पे देखो मैं यहाँ विंडो के पास खड़ी हो गई थी होरन को लेकर, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का और काफ़ी अच्छी हवा भी आ रही है। तो अभी 10:30 का टाइम हो रहा है मुझको देख रही है, और ये देखो स्टार्टर आ चुका है। हम खाएंगे, तो अभी यहाँ पे हमारा आ गया है खाना, तो अभी हम खाना खा लेते हैं फटाफट से। तो पहले आया है मसाला पापड़, उसको एंजॉय करते हैं, और यहाँ पे हमारा कचुम्बर भी मैंने मंगाया है स्पेशली, मुझे कचुम्बर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो बस अभी मैं सर्व कर देती हूँ।
मुझे डाल में छोड़ो है। फूल डर रही फूलों से नहीं 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 पकड़ रही, फूलों से डर रही है। पहले बलून से डरती थी और फूलों से डर रही है। ऐसा क्यों है, क्यों डरती हो तुम, पूछो बताओ इनको। और इनको डरती हो आप फ्लावर से? आप फ्लावर से डरती हैं? पता नहीं कब जाएगा इनका डर, धीरे धीरे जाएगा। तो बस यहाँ पे केक भी कटिंग हो गया है, साथ में खाना भी खा लिया है, और बस यहाँ पे भी लास्ट में मैं बलून्स को फोड़ रही हूँ। सो गाइस हम लोगों का खाना पीना हो चुका है, बस पेट फुल हो गया है। अच्छा था खाना वैसे, और बस फ्रेंड और हमने ना सारे बलून्स भी फोड़ दिए। हाँ वैसे मुझे भी खुद डर लगता है, फ्रेंड को भी डर लगता है बलून्स के साथ, लेकिन वो शांत बैठी रही थी अभी तो थोड़ी देर, तो बस यहाँ से हमने बलून्स वगैरह सब हटा दिए हैं। ऊपर लगे हुए हैं ये, काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो बस और अभी हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया है, तो हमने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया था, तो हमारा ये ऑनियन डबल चीज़ पिज़्ज़ा बन करके आ चुका है। इसको खाएंगे फिर घर के लिए निकलेंगे, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। अभी टाइम क्या हो रहा है बता देती हूँ आप लोगों को, 11:19। वैसे ये रेस्टोरेंट जो है 11 बजे बंद हो जाता है, लेकिन हम लोग पहले ही कस्टमर हैं ये समझ लो, क्योंकि पूरा ही रेस्टोरेंट खाली पड़ा हुआ है, तो इसीलिए जो है ना इन्होंने थोड़ा सा और देर के लिए ओपन रखा, और बस लेट हो ही जाता है, पूरा परेशान कर रही है। तो जल्दी जल्दी से खा लेते हैं पिज़्ज़ा, उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। चलो सो गाइस अभी हम लोग घर पे आ गए हैं, और अभी जाके बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल रहा है। अभी मैं थोड़ा सा मेकअप अपना रिमूव करूँगी, कपड़े चेंज करूँगी, हो रहा है इनके तो मैंने कपड़े चेंज करा दिए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा, फिर से एक बार थैंक यू सो मच। और मुझे पता है हमेशा कुछ ना कुछ तो करते ही हैं मेरे लिए, मैं समझ गई थी पहले ही। अच्छा हाँ, कि आप गए हो, इतना टाइम लग गया तो कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है। चलो कपड़े चेंज करते हैं, मेकअप रिमूव करते हैं, फिर सोते हैं।